हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। ऑलरेडी हमारा मीट पावर मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड पावर्स चल रहा था। दो क्लासेस हमने ऑलरेडी देख ली, 173, 174, 175, 176 तक हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट सेक्शन थे सारे। सर, 177, 178 कमिटीज पे है, ऑडिट कमिटीज, स्टेक होल्डर्स कमेटी, एनआरसी कमेटी, सब पे कमेटीज पे क्वेश्चन है, तो उसका सेपरेट इसके बाद वाली क्लास में बना देते हैं, ठीक है। अभी हम 179 स्टार्ट करते हैं। सर, 179, 188 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉप क्लास क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। अच्छे से देखते हैं इसको। यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है 179, 180 में, ठीक है। 180 से तो बहुत क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। चलो सर, 179 क्या है? पावर्स ऑफ बोर्ड। सर, ये बोर्ड है, ठीक है, और इसके पावर्स क्या है? मतलब बोला जाए कि बोर्ड क्या क्या डिसीजन ले सकता है, बोर्ड के पावर क्या क्या है। 179 में हमें यही जानना है, ठीक है, कि कंपनी के पास जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड क्या होता है, बोर्ड के अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, बोर्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनकी मीटिंग बैठती है, तो यहाँ पे इनके पावर्स क्या क्या है, क्या क्या बोर्ड लोग पावर यूज कर सकते हैं। अभी बोर्ड लिस्ट है यहाँ पे, अच्छे से एक एक लिस्ट को हम देखेंगे, ठीक है। चलो सर, सबसे पहले सुनो, 179(1) में क्या बोला गया है, सेम पावर एज अ कंपनी। जितनी जितनी कंपनी के पास पावर है, सिंपल वैसे वैसे बोर्ड के पास पावर है। अभी सुनते जाओ। कंपनी के पास, देखो, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बोर्ड इज अ सेपरेट पर्संस। तो जो जो कंपनी कर सकती है ना, वो बोर्ड कर सकता है। बोर्ड क्यों कर सकता है? क्योंकि बोर्ड मैनेजमेंट चलाता है, कंपनी का मैनेज करता है। अगर तुम उसको रोकोगे तो फिर वो कैसे करेगा? तो सिंपल सी बात है, जो कंपनी, अभी बहुत कुछ अंदर है, ठीक है, आराम से सुन जाना। जो जो कंपनी के पास पावर है, सेम पावर बोर्ड के पास है। परफेक्ट। बोर्ड हैज ऑल पावर्स एज पोजेस्ड बाय कंपनी। अगर कंपनी लोन ले सकती है, बोर्ड भी लोन ले सकता है। कंपनी अपॉइंट कर सकती है ऑडिटर, बोर्ड भी कर सकता है अपॉइंट ऑडिटर। तो अभी सिंपल रफ समझो कि जो कंपनी कर सकता है, वो सिंपल सिंपल बोर्ड कर सकता है, ठीक है। बोर्ड नहीं, अमन गुप्ता नहीं, बोर्ड, ठीक है। शार्क टैंक दिमाग से निकाल लो, थोड़ा एग्जाम आ रहा है, ठीक है। बोर्ड सेल एक्सरसाइज पावर्स सब्जेक्ट टू। अब देखो, बोर्ड को तो बोल दिया गया तुम्हारे जितना कंपनी तुम्हारे पास पावर है, सेम बोर्ड के पास पावर है। बट बोर्ड को बोला गया, देखो, पावर यूज करने से पहले हमेशा तीन चीजें ध्यान देना, ठीक है। सेल एक्सरसाइज पावर, मतलब जब तुम पावर यूज करने जा रहे हो ना, तो तीन चीजें देख के आना कि क्या क्या तीन चीजें सब्जेक्ट टू, मतलब कि तीन चीजें क्या क्या पालन करना है। ये नहीं कि अंधाधुंध तुम्हारे पास तलवार दिया जाए तो वो तलवार को चलाने लगना, नहीं। तुम्हें तीन चीजें देखते हुए वो तलवार चलानी है। कौन सी तीन चीजें देखते हुए वो तलवार चलानी है, सुनो। कंपनी के एमओए एंड एओए को, क्यों? अगर एमओए में इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि मान लो कोई एजुकेशन कंपनी है, एजुकेशन मान लो कोई सेक्टर में है, उसमें बोर्ड के पास पावर है कि हाँ ठीक है, बोर्ड कर सकती है। कंपनी का एमओए में एजुकेशन है, अब बोर्ड ने फाइनेंस उठा लिया, तो भाई तुमको पावर दिया गया, अंधाधुंध तलवार मत चलाओ। कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि तुम्हें सिर्फ एजुकेशन बिजनेस पे काम करना है, तो तुम फाइनेंस कहां से उठाने लगोगे? तो बोर्ड के पास पावर तो है, बट बाद में उसको धीरे धीरे क्लियर किया गया कि सब्जेक्ट टू एमओए एओए, एमओए एओए के बियॉन्ड जाके बात करना, अदरवाइज अल्ट्रावायलेंस हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन, एंड जो प्रोविजन में लिखा गया है, देन रूल्स। तो देखो, तीन चीजें ध्यान देनी है। फर्स्ट आ गया मेरा एमओए ओए, सेकंड आ गया कंपनीज एक्ट, कोई प्रोविजन में लिखा हुआ है, मान लो 179 में कुछ लिखा हुआ है, 184 में उसको ओवरलैप कर रहा है, तो 179 को, तो उस प्रोविजन को भी ध्यान देते हुए बोर्ड अपनी पावर यूज करना। थर्ड क्या बोला, रिजोल्यूशन मेड बाय कंपनी एट जनरल मीटिंग। अगर मान लो कि ठीक है, बोर्ड के पास पावर है, बट कंपनी, मान लो कि कंपनी अपने जनरल मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दे। लिखा हुआ था कि 50 लाख तक बोर्ड चाहे तो लोन ले सकता है,
बट बाद में पता चला यार ये कंपनी बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना सारे इंटरेस्टेड है, तो कंपनी ने क्या किया कि बोला कि कंपनी एक ने जनरल मीटिंग बैठाया और वहां पे ना बोर्ड के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बोला कि 50 लाख तक अब जो भी लोन होगा बोर्ड नहीं उठाएगा। तो तीन चीजें, बोर्ड के पास तलवार है पर तीन चीजें देख के तलवार चलानी है। पहला क्या है, एमओए एओए को देखते हुए तलवार चलाना। सेकंड क्या, कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजंस को फॉलो करते हुए तलवार चलाना। थर्ड क्या, जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है तुम्हारे लिए बोर्ड उसको देखते हुए, ये नहीं कि तुम उस रेजोल्यूशन को ओवर एक्ट कर दो। ठीक है ठीक है, आराम से समझो, दिक्कत नहीं आएगा। बोर्ड के पास कितना पावर, जो सेम कंपनी पास पावर, जो कंपनी कर सकती है बोर्ड कर सकता है। बट बोला जाए कि तलवार चलेंगे, तीन चीज देखना है, एमओए एओए कंपनी एक्ट 2013 का प्रोविजन और जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ उसको तुम्हें पालन करना पड़ेगा। ये समझ आया? चलो अब देखो, अब आता है एक इंपॉर्टेंट लिस्ट, बोलता हूँ मैं इसको इसी सिक्वेंस में पढ़ना, इसी इंपॉर्टेंट लिस्ट को। ठीक है अब सुनो, 179 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है ये। हाँ, इससे पहले सर, ये हमारा 50th वीडियो है क्लासेस का। मेरे को लगता है कि इसके बाद ये तीन वीडियो और जाएगी इसकी, 53 वीडियो या 54 वीडियो बनेगी इस बोर्ड मीटिंग की, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, या 55 भी हो सकता है, एक एक घंटे वीडियो बनाता हूँ मैं। उसके बाद 6 या 7 चैप्टर में आईबीसी कर दूंगा, तो क्लासेस हमारी हो जाएगी 62 क्लासेस में हमारी आईबीसी कंप्लीट हो जाएगी, जो डैट कवर्स 85 to 90 नंबर्स। शुरुआत मजे मजे में किया था, यहाँ तक पहुँच गया। चलो, पावर of BOD to exercise, सुनते जाओ, by board, अब बहुत important topic आने वाला, सुनो, बहुत important सुनो। मैंने दो चीज पढ़ाया तुम्हें, एक पढ़ाया था वोट सर्कुलेशन वाला पढ़ाया था, जहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन पासिंग बाय सर्कुलेशन वाला। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ वो डिसीजन है जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बैठ के रिजोल्यूशन पास होके, मतलब सर यहाँ पे पावर्स, मतलब यहाँ यहाँ अभी जो बातें पढ़ेंगे ना वो बातें होंगी जो एक बोर्ड मीटिंग है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टर बैठ के रिजोल्यूशन पास करेंगे। सर यहाँ सर्कुलेशन से होगा? नहीं, बिल्कुल सर्कुलेशन नहीं सर। फिर किस किस मैटर के बारे में बात करना है? ठीक है, अभी मैटर देखेंगे सर। ये सारे मैटर याद रखना, ये सारे मैटर की मैं शॉर्टकट बताता हूं, बीआर इन बीएम सर, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। यहाँ सर्कुलेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो भी मीटिंग हमें पढ़ेंगे, जो भी डिसीजन पढ़ेंगे, यहाँ पे 12-13 डिसीजन है, ये सारे डिसीजन बोर्ड मीटिंग में बैठ के लिए जाएंगे। सर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अभी पढ़ेंगे एग्जाम में कुछ कैसे क्वेश्चन आए बताऊंगा। तो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू एक्सरसाइज बाई बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, एक रिजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन, एक बोर्ड रिजोल्यूशन। सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं होगा, मतलब कौन कौन सी बातें हैं जहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होगी, पढ़ेंगे लिस्ट है, यहाँ सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन। तो बोर्ड रिजोल्यूशन देख के समझ आ गया ना कि वो बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर। चलो सर, कौन कौन सी बातें बताइए, आराम से करेंगे इसको। सर फर्स्ट, मेक कॉल्स ऑन, और एक बात और याद रखना सर, अभी जो बातें पढ़ेंगे ना, ये सारी बातें कहाँ होगी, ये सारी बातें कहाँ होगी, बी आर इन बी एम, मतलब सर अभी रुको, मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर्स, शेयर होल्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू अनपेड कॉल्स। सर क्वेश्चन एग्जाम में बताता हूँ कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मीटिंग बैठाई, एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें था कि बहुत सारे शेयरहोल्डर्स ने अपना अनपेड मनी पे नहीं किया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक सर्कुलेशन पास किया, सर्कुलेशन प्रॉपर्ली सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच थे, सबके रजिस्टर ऑफिस में गया, सब कुछ सबके रजिस्टर एड्रेस पे गया, और मेजोरिटी डायरेक्टर ने हाँ बोला। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर जब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो भी डिसीजन यहाँ पे पड़े ना 2-3, ये सारे डिसीजन कहाँ होंगे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके, यहाँ कोई सर्कुलेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना, कोई सर्कुलेशन नहीं होगा, मतलब सारे मीटिंग क्या होंगे, ये सारे एक सारे रिजोल्यूशन क्या होंगे, एक प्रॉपर मीटिंग बैठेगा, मीटिंग मतलब इन फिजिकल लोग आएंगे, इन बैठेंगे यहाँ पे, डिसीजन पास करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, यहाँ कोई सर्कुलेशन नहीं है, नो सर्कुलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन यही घूमेगा, कोई सर्कुलेशन नहीं। तो याद रखना, मेकिंग कॉल ऑन शेयर होल्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू अनपेड, ये किसके पास पावर है, बोर्ड के पास पावर है, बी आर इन बी एम। सर शेयर होल्डर्स पास पावर क्यों नहीं दिया गया? भाई शेयर होल्डर्स ने मान लो ये मिस्टर ए थे, इसने एप्लीकेशन मनी 3 रुपया पे कर दिया, अलॉटेड मनी 3 रुपया पे कर दिया, फर्स्ट कॉल उसने नहीं पे किया 2 रुपया, फाइनल कॉल नहीं पे किया 2 रुपया। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पावर बोर्ड को नहीं मिलता, शेयर होल्डर्स मिलता, तो ये भाई साहब कभी मीटिंग करते ही नहीं,
क्योंकि सोचो ना, शेयर होल्डर्स ने ही पे नहीं किया पैसा, और शेयर होल्डर्स के पास ही इसका पावर दे देते हैं, तो सोचो ये 2 रुपया 2 रुपया और देता, ये नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स से हम पैसा लेने की बात कर रहे हैं, अनपेड कॉल। इसलिए यहाँ पे ये सारे पावर्स बोर्ड को दिया गया है, क्योंकि बोर्ड शेयर होल्डर से पैसे मंगवाएगी, अदरवाइज शेयर होल्डर से पावर देते हैं, शेयर होल्डर बोलता कि मैं तो करूंगा ही, कभी मीटिंग करूंगा ही नहीं, छोड़ो ना, क्या दिक्कत है, 4 रुपए बाद में दे देंगे हम कभी, ठीक है। तो मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स विद रिस्पेक्ट टू अनपेड कॉल्स। अब सुनो सर, और कुछ बात सुनो, अब यहाँ पे जो लिस्ट है ना, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये सारे पॉइंट्स है, जिसका एक सेपरेट सेक्शन है, वो सेपरेट सेक्शन के बारे में भी इसको पढ़ना होगा। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट एक सेक्शन में बोलूंगा वो पढ़ के जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन भी सुना नहीं हूँ, कभी देखा नहीं हूँ, बट क्या पता आ जाए। मतलब सर, मान लो कि कोई अनपेड कॉल्स का कोई सेक्शन होगा, आईपीसीसी में डेज में होगा, अभी पढ़ेंगे, बाईबैक का सेक्शन है, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, सबका कुछ कुछ सेपरेट सेक्शन है। तो देखो, बहुत सारे सेक्शन जो अभी आगे मिलने वाले, 185 186 मिलने वाला है, बट बहुत सारे सेक्शन जो हमने आईपीसीसी डेज में पढ़ा था, अब मैं आईपीसीसी डेज लेकर आपके साथ बैठ नहीं सकता हूं, तो बहुत बड़ा लंबा चल जाएगा हमारा लेक्चर, ठीक है। तो टाइम मिले तो पढ़ना, बट कम चांसेस है, ठीक है। तो जो भी कॉल्स मनी शेयर होल्डर्स मनी होंगे ना, वो अनपेड कॉल्स, वो बोर्ड मंगवा सकता है, बोर्ड मीटिंग करवा के, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अनपेड शेयर होल्डर्स कॉल से पैसा मंगवाएगा। सेकंड क्या है सर, सुनो, ऑथराइज बाय बैक, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। ऑथराइज बाई बैक अंडर सेक्शन 68। देखो मैं क्या बोला, अब बाई बैक के लिए आपको सेक्शन 68 पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे 20% फिर 25% कोई लिमिट है, अब ये देखना पड़ेगा। बट याद रख लो कि अगर बाई बैक करना है ना शेयर होल्डर से पैसा, आप मानो शेयर्स को आप बाई बैक करना है, तो बोर्ड मीटिंग में BR या BR प्लस बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग पास करके आप पावर है डायरेक्टर के पास कि आप बायबैक कर सकते हो। तो शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज देखा, हम अनपेड कॉस्ट से शेयर होल्डर से पैसा मंगा सकते हैं, कोई बायबैक करना हो शेयर होल्डर से, बोर्ड के पास पावर है कि बायबैक कर सकता है। तो बहुत सारी कंपनी से देखना, कंपनी ने बायबैक किया, कंपनी ने ये किया, कंपनी ने वो किया, तो भाई कंपनी ने किया मतलब बोर्ड के पास, हमने देखा फर्स्ट टाइम कंपनी इज इक्वल टू बोर्ड, सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल, सब्जेक्ट टू इज कंपनीज एक्ट 2013, सब्जेक्ट टू इज रेजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग। इसलिए हमने सुनते हैं ना कंपनी ने बायबैक किया, तो भाई बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ही बायबैक होता है, मतलब बोर्ड करते हैं, ठीक है। चलो थर्ड, इशू सिक्योरिटीज प्लस डिवेंचर्स, ठीक है, इन या आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया भी आप कर सकते हो, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सुनो क्या है, इशू सिक्योरिटीज, मान लो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट जो आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो कंपनी में एज अ कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल अकाउंट आपके कंपनी में 10 करोड़ रुपीज है, आपने इशू किया था फर्स्ट टाइम 2 करोड़ रुपीज, अभी 8 करोड़ भी और कर सकते हो, आपको और शेयर सिक्योरिटीज इशू करने हैं 5 करोड़ के, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बोर्ड मीटिंग में बीआर प्लस बीएम करके आप इशू कर सकते हो सिक्योरिटीज। बट याद रखना, ऑथराइज शेयर कैपिटल से मैक्सिमम लिमिट नहीं जा सकते। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जो आप कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो। आज जाके आप कल कोई कंपनी बनाओगे, जस्ट लाइक जियो, जियो ने मान लो एग्जाम्पल 160 करोड़ रुपए ऑथराइज शेयर कैपिटल डाला, मतलब एज अ मैक्सिमम पता चलता है कंपनी में कितना कैपिटल लगने वाला है। तो ऑथराइज जियो ने 10 करोड़ लगाया था, जिसमें से इशू 2 करोड़ हुआ, 8 करोड़ और बाकी है, आप चाहो तो फिर से इशू सिक्योरिटीज कर दो। आपको मान लो पूरा 8 करोड़ नहीं करना, 5 करोड़ करना है, आप बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके 5 करोड़ का सिक्योरिटी इशू कर दो, आप डिवेंचर्स भी इशू कर सकते हो, ठीक है। चलो वेट, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि हमने 3 जगह देखा जहां पे बीआर प्लस बीएम लगता है, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ देखो सारा सीक्वेंस में ही है, क्यों सीक्वेंस में बताऊंगा। फोर्थ नंबर में टू बोरो मनीस, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, पैसा उधार पे, अगर पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी को बी आर इन बी एम पास करना पड़ेगा, कोई भी कहीं से भी बोरो करना पड़ेगा मनी बी आर इन बी एम है। सर इसका सेपरेट सेक्शन अभी हम पढ़ेंगे, सेक्शन 181 में ही दिया जाएगा कि क्या कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, कितना बोरो करने पे बी आर इन बी एम है, कहाँ कहाँ शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना पड़ता है। तो और किसी कंपनी में बोल दिया जाए कि कंपनी को पैसा लेना है, तो पैसा लेना पड़ेगा, तो कितना पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कितना प्लस किससे,
ये डिसाइड होगा कहां बी आर इन बी एड. परफेक्ट. चलो सही, ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है. टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ कंपनी, मतलब सर कंपनी के पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना है. जैसे हम बोलते नहीं है कोई किसी की पेरेंट और सब्सिडी कब बनती है, जब इसका 51% से 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो. तो इन्वेस्टमेंट अगर हाई अमाउंट में करना है या इन्वेस्टमेंट करना भी है तो किस किस कंपनी में करना है, कितना करना है, क्या करना है, ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन लेंगे बोर्ड. कहां पे लेंगे? बोर्ड इन बीएम और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके. ठीक है, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में हम ये डिसाइड करेंगे हमें कितना बोरो चाहिए. देखो 4, 5, 6 तीनों का सीक्वेंस है. ठीक है, बोरो कितना करना है, इन्वेस्ट फंड कहां करना है, और एक सिक्स नंबर सुनो, ग्रांट लोन्स सिक्योरिटी एंड गारंटी. कंपनी के बिहाफ में मान लो कि ये मिस्टर ए है, ए ने गया बैंक से, आईसीआई से बैंक से पैसा लेने के लिए. बैंक ने बोला तुम्हारे गारंटर कौन है, ये बोला कि एबीसी कंपनी. तो भाई तुम किसी के गारंटर बन रहे हो, गारंटी दे रहे हो, तो तुम्हें गारंटी दे रहे हो, इसका परमिशन कौन देगा, इसका पावर किसके पास है सब करने का? तो बोर्ड के पास पावर है. सर देखो यहाँ पे पैसा लेने की बात थी, पैसा उधार पे, यहाँ पैसा उधार पे देने की बात. ठीक है, तो एक जगह लेने की बात है, एक जगह पैसा उधार पे देने की बात है. तो 4, 5, 6 इज हाईली इंपॉर्टेंट. 4 नंबर क्या है? टू बोरो मनीज. 5 नंबर टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ कंपनी. कंपनी का फंड है, उसको इन्वेस्ट कहां कहां करना है, किस किस में करना है, ये डिसाइड करेगा. 6 में क्या है? ग्रांट लोन, किसको लोन देना है. 5, 4 में क्या था? लोन लेना है. 6 में लोन देना है. सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर से रिवाइज करते हैं. शेयरहोल्डर से अनपेड मनी पैसा मंगाना है, ठीक है. बायबैक करना है, ठीक है. ऑथराइज शेयर बायबैक करना है. इशू सिक्योरिटीज डिवेंचर करना, ठीक है. बोरो मनीज, इन्वेस्ट फंड, ग्रांट लोन, ये सारे डिसीजन क्या होंगे? बी आर इन बी एम. ठीक है सर, एक बात याद रखना, ये जो ग्रांट लोन और ये जो इन्वेस्ट फंड है ना, इसका एक प्रॉपर सेक्शन है, अभी पढ़ेंगे 186 185 से पढ़ेंगे वहां पे. यहाँ पे यूनानिमस रिजोल्यूशन होता है, मतलब तुम्हारे इतने बोर्ड डायरेक्टर सबकी सहानुभूति, सबकी रजामंदी होनी चाहिए. तो सर क्या बोला मैंने, 179 एक जरिया है, 179 का जो बातें लिखी गई ना, सबका कहीं ना कहीं सेपरेट सेक्शन है, तो सबका सेपरेट सेक्शन जाके पढ़ेंगे. 179 लिमिटेड नहीं है, 179 बस बातें बता दिया कि बी एन बी एम क्या होगा, उसके बारे में अच्छा जानना है. बायबैक के बारे में अच्छा जानना है तो 68 बताता है, इसके बारे में जानना है, 5 और 6 के बारे में तो यूनानिमस रिजोल्यूशन सेक्शन 185 186 देखेंगे वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट वाला. ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं. जैसा कि हमने देखा ग्रांट लोन सिक्योरिटी का लिखा, ग्रांट गारंटी भी हो सकता है, यहाँ पे एक अलग से सेक्शन है, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना होता था. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, लेट अस पॉइंट नंबर 7. सो ये क्या बोलता है? ये बोलता है डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ कंपनी. सब मतलब सर पहले आप एजुकेशन सेक्टर पे थे, अब आप फाइनेंसिंग सेक्टर पे आ गए, अब आप टायर ट्यूब्स की बिजनेस कर रहे हो, तो अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो. क्या कर रहे हो? अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो. तो एक्सपैंड करने का डिसीजन क्या खुद अकेले ले सकता है कंपनी, या मान लो खुद कोई अकेला डायरेक्टर लेगा? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग मना के बी आर इन बी एम. हमेशा याद रखना 100 प्रॉब्लम सॉल्यूशन बी आर इन बी एम. तो डाइवर्सिफाई मतलब क्या हुआ? मतलब पहले टायर थे, फिर वुड के बिजनेस में आ गए, फिर फाइनेंस बिजनेस में आ गए, तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो. या मान लो अपने ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस ओपन करने वाले, मेन कंपनी दिल्ली का, ब्रांचेस हर जगह है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह ब्रांचेस ओपन होने वाले हैं. तो बिजनेस को ना, सिंपल सी बात, बिजनेस को क्या किया जा रहा है? बिजनेस को एक्सपांड किया जा रहा है. ठीक है, बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपांड किया जा रहा है. ठीक है, इसके लिए भी बी आर एन बी एम होगा. तो ये देखो, ये एक सीक्वेंस याद रखना. 8 नंबर क्या है? अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, उसको अप्रूव करना है, डायरेक्टर्स के साइन जाने वाले हैं, ये भी बी आर एन बी. ये भी सिंपल था, इसमें समझा नहीं था मेरे को, क्योंकि यह सिंपल पॉइंट मैंने 173 में समझाया था इसको, कि कौन कौन सी बातें नहीं हो सकती है. मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वहाँ पे था, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट. तो जहाँ पे ये बोर्ड डायरेक्टर ही बैठ के इसको अप्रूव करते हैं, तो पहले ये बातें थी कि ये बातें बोर्ड रिजोल्यूशन में, बोर्ड मीटिंग के द्वारा
क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होती थी, अब आफ्टर कोरोना ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है, तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बीआरएम बीएम हो सकता है। सिंपल सी बात, यहाँ पे कोई सर्कुलेशन नहीं चलेगा। सर्कुलेशन मतलब वो ड्राफ्ट बना के, ये ड्राफ्ट बना के नीचे ऐसे ऐड करके पॉइंटर लगा के, या से जब उसको टियर कर लेते हो उसके अंदर, हाँ या ना करो, ये सर्कुलेशन नहीं चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है सर, 9 पॉइंटर क्या है? टेक ओवर अ कंपनी, एक्वायरिंग, कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सर मतलब ये आपकी कंपनी एबीसी, ये टेक ओवर करने वाली है पी क्यू आर को, या मान लो ये 51% कंट्रोल करने वाली है, सिंपल ये होल्डिंग होल्डिंग बनने वाली है किसी कंपनी की। ठीक है, तो टेक ओवर कंपनी, जैसे वोडाफोन आइडिया का वो हुआ था, मर्जर हुआ था, वीआई हुआ वोडाफोन आइडिया का, तो जैसा भी जो भी ऐसे डिसीजन होने वाले हैं, टेक ओवर कंपनी, एक्वायरिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब क्या 51% होगा। जैसे मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया का, दुबई की कंपनी थी बाहर वाली, उसके सब्सिडरीज थे, या मान लो बहुत सारे एग्जांपल पढ़ाए हुए कि यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरीज होता है। सब सब्सिडरीज दो टाइप की बन जाती है, एक 50% से ऊपर कंट्रोल होता है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तुम सब्सटेंशियल कंट्रोल करते हो, मेजोरिटी बोर्ड डायरेक्टर को अपॉइंट रिमूव कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो ना, कोई कंपनी को एक्वायर कर रहे हो ना, वहाँ पे तुम्हें बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन बोर्ड मीटिंग। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट नंबर 10, 11, 12, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। सही है, अपॉइंट, मेरे वर्डिंग में ध्यान देना, अपॉइंट इंटरनल, ठीक है, एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। सर मैंने स्टैट ऑडिटर की बात नहीं की, स्टैट ऑडिटर की बात नहीं की मैंने, क्योंकि स्टैट ऑडिटर का सेक्शन कंपनीज लॉ में अच्छे से पढ़ते हैं, वहाँ पे वहाँ का अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होता है, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होता है। स्टैट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी 30 डेज 60 डेज, कुछ याद आ रहा होगा आपको फर्स्ट ऑडिटर के इसमें, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का इसमें, जनरल मीटिंग कुछ याद आ रहा होगा, हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिखा है इंटरनल एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। तो भाई तुम्हें किसी कंपनी में अगर कोई, मान लो तुम ही की फॉर्म खोलने वाले हो, तुम कोई फॉर्म खोलोगे, अगर तुम्हें एज ए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा तो उस कंपनी का बोर्ड भी आपको अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, मान लो कि मैं ही अपना साहिल एंड कुछ खोल लूँ, ठीक है, एसोसिएट कर कुछ खोल लूँ, अगर मान लो मैं कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर बनना है, तो इसके बोर्ड ही चाहे तो हमें एज ए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। मैं इंटरनल ऑडिटर की बात कर रहा हूँ, स्टैट ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर देयर इज रेफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट ऑडिट, आपको अच्छे से आता होगा। इंटरनल ऑडिटर में अच्छे से मैनेजमेंट पॉलिसीज चेक करते हैं, उनके डे टू डे वर्किंग स्टाइल को चेक करते हैं। स्टैट ऑडिट हमारा फोकस मोस्टली फाइनेंशियल सेगमेंट्स पे होता है। ठीक है, तो अगर बोर्ड चाहे तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बीआर इन बीएम से इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है सर, 11 क्या है? मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अगर आपको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना हो, मान लो बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, जहाँ भी आपको ना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना है, वहाँ भी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके हम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बट याद रखना सेक्शन 182 को कंप्लाई करते हुए। तो मैंने बोला ना, ये सारे पॉइंट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्शन छुपे हुए हैं। जैसे बायबैक में सेक्शन 68 था, इससे पिछले हमने देखा सेक्शन यूनानिमस रेजोल्यूशन को देखा, अभी हमने सेक्शन 182 देख लिया। तो ये सारी बातें बी आर इन बी एम हो सकता है। ठीक है, बट इनके बातें में, इनके बारे में और भी बातें सेक्शन 182 में लिखी हुई है, तो 182 का कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये सारे सेक्शन है 179 के पॉइंट्स, इसको ओवरलैप कर देगा 182 वाले पॉइंट्स, या मान लो उसका जो भी सेपरेट सेक्शन है वो ओवरलैप कर देगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 12, अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सन। सर हु इज की मैनेजरियल पर्सन बताइए। अगर आपने अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन वाला चैप्टर देखा होगा, सेक्शन 196 वाली सीरीज देखी होगी, तो आपको पता होगा की मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं। वहाँ पे एमडी, मैनेजर और इन द एब्सेंस ऑफ डब्ल्यूटीडी, सीएस, सी
CFO, CEO, ये सारे की मैनेजर पर्सन होते हैं, ठीक है। सही, ये क्या करते हैं, ये डे टू डे ऑपरेशंस में डिसीजंस लेने की मदद करते हैं हमारी कंपनी में, कि कैसा डिसीजन होना है, क्या कॉन्ट्रैक्ट को डील करना है नहीं करना है, जस्ट लाइक ए इंटरमीडियरी बिटवीन द कंपनी एंड द थर्ड सप्लायर। ओके, तो की मैनेजर पर्सन हमने देख लिया। चलो सर, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यहां से, अभी मैं बताता हूं क्वेश्चन मार्क क्या है सर। फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर पावर्स पॉइंट 4, 5, 6, सर 4, 5, 6 में क्या क्या बातें थी सुनो सर। टू बोरो मनीस, टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ कंपनी, टू ग्रांट लोन सिक्योरिटी गारंटी, ठीक है सुनते जाओ। मतलब सर 4 में था बोरो मनी, ठीक है, 5 में था इन्वेस्ट फंड्स, 6 में था ग्रांट लोन्स, ठीक है। फॉर पावर्स पॉइंट नंबर 4, 5, 6, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सर बोर्ड, पूरा बोर्ड मतलब पूरा बोर्ड चाहे तो, ये बोर्ड के अंदर जो डायरेक्टर बैठते हैं, पूरा बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डेलीगेट। सर डेलीगेट मतलब आज मैं अपने काम सौंप देता हूँ अपने छोटे जूनियर को, कि हाँ तुम अपना काम कर लो, मैं डेलीगेट कर रहा हूँ काम को, ठीक है, मतलब मेरे बदले तुम क्या करो, नहीं फॉर साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं, ठीक है, मैं डेलीगेट कर रहा हूँ कि हाँ आप क्लाइंट के इश्यूज को हैंडल कर सकते हो, आप प्रेजेंट हो जाओ कंपनी के जो भी असेसमेंट है वहाँ जाकर प्रेजेंट हो जाओ। तो मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अपना डेलीगेशन दे रहा हूँ, अपने आर्टिकल को डेलीगेट कर रहा हूँ कि हाँ ये काम है आप काम कर सकते हो। तो बोर्ड भी चाहे तो डेलीगेट कर सकता है किसमें, 4, 5 और 6 वाले पॉइंट्स में, कि डेलीगेट टू हुम, किसको, अब ये जानना जरूरी है सर। याद रखना सिर्फ 4, 5, 6 वाले पॉइंट्स, मैंने बता दिया कौन कौन से 4, 5, 6 पॉइंट है, टू बोरो मनीज, इन्वेस्ट फंड्स एंड टू ग्रांट लोन्स, ये 4, 5, 6 पॉइंट है ना, ये सारा तो कर सकता था सिर्फ बी आर इन बी एम, सॉरी बी आर इन बी एम, बट बोर्ड नहीं भी अकेला चाह के, क्योंकि बोर्ड पूरा बैठाना बहुत दिक्कत होगा। बोर्ड बोल दिया कि बोर्ड बोल रहा है कि मैं अपना पावर डेलीगेट कर रहा हूँ, पूरा बोर्ड, कोई डायरेक्टर नहीं, पूरा बोर्ड, पूरा बोर्ड, बोर्ड पूरा क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, किसको डेलीगेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सुनो। या तो बोल रहा है मैं किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को कर रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है, मैनेजर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी, ठीक है, या मान लो किसी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच, या कमिटी ऑफ डायरेक्टर, लाइक इसमें ऑडिट कमिटीज एंड ऑल आ गए, ठीक है। तो किस किस पॉइंट के लिए, 4, 5 और 6 पॉइंट के लिए बोर्ड क्या चाहे तो डेलीगेट कर सकता है एमडी को, फर्स्ट एमडी ऑफ द कंपनी, कोई भी एमडी होगा उसको डेलीगेट कर सकता है कि भाई देखो बोर्ड के पास टाइम नहीं है, एमडी आप ही डिसीजन लो, फॉर फॉर व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन, फॉर बोरोइंग मनी, फॉर उधार लेना, सिंपल उधार लेना, पैसा इन्वेस्ट करना, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस लोकेशन इन्वेस्ट करना है, फॉर ग्रांट उधार लेना एंड उधार देना, बीच में आ गया इन्वेस्ट मनी, किस किस को, एमडी ऑफ कंपनी, एमडी को भी कंपनी का एमडी होगा उसको, मैनेजर होगा कंपनी का उसको, या प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी है, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस, उसका ब्रांच ऑफिस को भी बोल सकता है, प्रिंसिपल ऑफिसर आप कर सकते हो ये सब काम, या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स, कमेटी इन द सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी, और जो भी कमेटी डायरेक्टर बनते हैं उनको डिलीगेट कर सकता है, बोर्ड बोल दे, बोर्ड बोर्ड यहाँ पे बोल दे, बोर्ड बोल दे, बोर्ड यहाँ पे, बोर्ड मतलब सारे मेंबर्स आगे मिलकर बोल दे कि हाँ एमडी ऑफ कंपनी, मैनेजर ऑफ कंपनी, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच, कमेटी ऑफ डायरेक्टर, आप चाहो तो 4, 5, 6 में अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। एक और पढ़ो, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लिंक पढ़ लो। इम्पोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय शेयर होल्डर्स, देखो मैंने क्या बोला, बोर्ड अपना तलवार चला सकता है, बट तीन चीजें ध्यान देते हुए, एमओए एओए को, कंपनीज एक्ट 2013 को, रेजोल्यूशन जो भी पास हुआ जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है, बट उसको है ना इम्पोज कर सकता है, शेयर होल्डर पास इतना पावर है कि शेयर होल्डर चाहे तो बोर्ड ऑफ पावर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर इम्पोज रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, कब कब क्या क्या सुनो। कंपनी कैन
रिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स पावर बाय पासिंग रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में पास करके रेजोल्यूशन जो भी पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने तो भले ही लिखा था कि वहां पे तुम बोरो मनी कर सकते हो, बट हम तुम्हारे पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि तुम 50 लाख तक ही बोरो मनी कर सकते हो, या हमने बोला तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, हमने तुम्हारे पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तुम 20 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, देखो प्रोहिबिशन नहीं कर रहा है, प्रोहिबिशन इज जस्ट लाइक इनिशियल। मैं तुम्हें बोल दू तुम वहां जाना है, तुम प्रोहिबिट हो, मान लो मैं बोल दिया कोई लोकेशन है मयूर विहार या मान लो आनंद विहार, मैं दिल्ली में लोकेशन है, मैं बोल रहा हूँ तुम प्रोविट हो आनंद विहार जाने के लिए, तुम एज अ स्टार्टिंग प्रोविट हो, मैं बोल दूंगा तुम्हें रिस्ट्रिक्शन है, तुम आनंद विहार जा सकते हो बट तुम एज अ अपने ओन व्हीकल जाओगे, तो रिस्ट्रिक्शन हो गया ओन व्हीकल जाना, आप बस पकड़ नहीं जा सकते, आप ट्रेन से नहीं जा सकते, मेट्रो नहीं जा सकते, ओन व्हीकल जाओ आनंद विहार जाना है तो, बट मना नहीं कर रहा हूँ जाने के लिए, बट प्रोविजन क्या हो गया, मैंने साफ मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर ने पावर मना नहीं किया है बट बोल दिया रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब सिंपल बोल दिया कि 20 लाख तक इन्वेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख ऊपर आए तो हमारे परमिशन लेना पड़ेगा। तो कैसे कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग, ठीक है, और अल्टरिंग एओए, एओ को अल्टर करके वहां पे पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एओए में कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी उसमें भी लिख देंगे एओए में कि डायरेक्ट, क्योंकि एओए क्या होता है, एओए जस्ट लाइक इंटरनल्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, इसके अंदर चाहे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इंटरनल्स रूल रेगुलेशन। यहाँ पे लिख दिया कि 50 लाख तक बीओडी करेंगे, 50 लाख से ऊपर जो भी होगा वो शेयर होल्डर्स करेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हम एओए में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग, ठीक है। और कैसे, सुनो देखो, शेयर होल्डर cannot interfere unless there are sufficient reasons, ठीक है 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 चलो ठीक है, but shareholders can interfere if, अब तो इफ में तीन चीज बोल दिया, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिख लेना, डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मैलाफाइड, सर मैलाफाइड मतलब सिंपल समझाओ वर्किंग फॉर पर्सनल गेन्स, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, वर्किंग फॉर पर्सनल गेन्स, या मतलब अंडू गेन एडवांटेज नहीं पड़ता, अंडू गेन एडवांटेज, यहाँ पे डायरेक्टर को मान लो कोई रिलेटिव से कॉन्टेक्ट होने वाला, रिलेटिव उसको 50-50 दे, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टर अपना पावर का मिसयूज कर रहा हो ना, तो शेयर होल्डर्स वहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। तो देखो शेयर होल्डर्स नॉर्मली क्यों डायरेक्टर के बीच में इंटरफेयर करेगा, मान लो कॉल मनी मंगवाना है, अगर शेयर होल्डर्स इंटरफेयर करने लगे तो शेयर होल्डर्स कॉल मनी के पावर इतना से, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही तो कॉल मनी नहीं पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स इंटरफेयर करने लगे तो वो डायरेक्टर भी क्या कर पाएगा, क्योंकि पैसा तो शेयर होल्डर्स लेना है, शेयर होल्डर ही इंटरफेयर कर देगी, वो डायरेक्टर बोले नहीं नहीं यूज कर सकते हो पावर तुम, तो शेयर होल्डर्स हमेशा बच जाएंगे। तो नॉर्मली बोला गया शेयर होल्डर्स नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट इफ सफिशिएंट रीजन है तो शेयर होल्डर्स में इंटरफेयर करके वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे, इफ डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मैलाफाइड, मैलाफाइड मतलब कोई वर्किंग फॉर पर्सनल गेन, डायरेक्टर अपना पर्सनल गेन कंपनी के नहीं, पर्सनल खुद का पर्सनल गेन करने के लिए चक्कर में कुछ काम करने जा रहा है। सेकेंड क्या होगा, ऑल डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड एंड कोरम इज एबसेंट, ठीक है, डायरेक्टर क्या है, सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, कोरम भी एबसेंट है, ठीक है ठीक है। तो ये सब केस क्या है, ये सारे केस है जहां पे शेयर होल्डर्स भी इंटरफेयर कर सकता है, सर पूरा कवर कर दूंगा 79 को। देखो सम पावर, सम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सेम पावर ऐसे कंपनी है, जल्दी से दो मिनट में क्या वोट करते, बड़ा सेक्शन था यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या बोला पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ एक्सपायर बोर्ड रेजोल्यूशन, ये तो ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से था पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर बोर्ड डायरेक्टर होते हैं सेम पावर्स कंपनी, जो कंपनी पावर है वो सेम पावर्स बोर्ड डायरेक्टर, बोर्ड हैज ऑल पावर्स एज पोजेस्ड बाय कंपनी, बोर्ड एक्सरसाइज पावर्स सब्जेक्ट टू, तलवार चलानी है, तीन चीज देख के एओए कंपनीज एक्ट को रेजोल्यूशन पास हुआ तो रिस्ट्रिक्ट कर सकता था पावर्स को, पावर बोर्ड एक्सरसाइज बोर्ड रेजोल्यूशन पास
बोर्ड मीटिंग में होगा तभी होगा, ये सारे चीजें अभी जो पढ़ेंगे सारा बोर्ड रेजोल्यूशन पास इन बोर्ड मीटिंग है, बी आर इन बी एम है, सर्कुलेशन से कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी काम इसके अंदर नहीं होने सर। कौन से काम? कॉल्स मनी शेयरहोल्डर्स है, ये पावर बोर्ड के पास है सर। शेयरहोल्डर पास पावर क्यों नहीं है भाई? शेयरहोल्डर्स का पैसा ही चाहिए यहाँ पे, शेयरहोल्डर्स पावर तो कभी मीटिंग करेगा ही नहीं करेगा। ऑथराइज बाय बैक 68 सेक्शन में ध्यान से पढ़ के आना, नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, लेकिन बाय बैक का पावर बी आर इन बी एम है। ये सारा कॉन्सेप्ट याद रखना, बी आर इन बी एम है। क्वेश्चन यहीं से यहाँ आता है, क्या सर्कुलेशन से ये सारा पावर पास हो सकता है रेजोल्यूशन? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी सिक्योरिटीज डिवेंचर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया BRNBM ऑथराइज है, मैंने एग्जांपल बताया था। बोरो मनी, इन्वेस्ट फंड्स, ग्रांट लोन, ये तीनों केस पे याद रखना। ये डेलीगेट हो सकता है किसको? एमडी, मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर, ब्रांच प्रिंसिपल ऑफिसर कंपनी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, डाइवर्सिफाई बिजनेस बड़ी तरह से बढ़ाना हो, अप्रूव करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट, टेक ओवर कंपनी, अपॉइंट इंटरनल एंड सेक्रेटरी नॉट स्टैट ऑडिटर, मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 182 को ही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्पेसिफिक सेक्शन यहाँ दिया है, उसको ज्यादा फॉलो करना है। अपॉइंट एंड रिमूव KMP, सर लाने का भी हटाने का भी पावर बोर्ड के पास है KMP को, ठीक है। फॉर पावर्स 4, 5, 6 डेलीगेट कर सकते हैं किसको? MD, मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर, ब्रांच, कमिटी ऑफ डायरेक्टर, एडिटर्स, ऑडिट कमेटी, ये सबको। सेक्शन 1 इम्पोज ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय शेयरहोल्डर, चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कंपनी के अंडर डायरेक्टर पावर बाय पासिंग रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग जनरेटिव रेजोल्यूशन पास करके, या अल्टरिंग AO में रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि इतना इतना तक वोट करेगा, इसके बाद शेयरहोल्डर्स करेंगे। शेयरहोल्डर्स कैन नॉट इंटरफेयर अनलेस देयर आर सफिशिएंट रीजन, बट शेयरहोल्डर्स कैन इंटरफेयर इफ डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मैलिफाइड, वर्किंग फॉर पर्सनल गेन्स एंड ऑल डायरेक्टर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड डायरेक्टर सारे हो जाएंगे तो भाई शेयरहोल्डर्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, कोरम भी नहीं बन रहा है तो भैया लास्ट में बच्चे को हमारे कंपनी करता धरता, दैट इज कॉल्ड शेयरहोल्डर्स, ठीक है। 179 डैसेट 180 करते हैं थोड़ा। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 180। सर देयर इज अ क्या बताऊं, बहुत अच्छा लिंकेज है 179 एंड 180 का, बताता हूं। सर 180 है क्या? रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर 179 में तब को तलवार चलाने दे दिया गया, 180 बोल दिया गया हम तलवार चलाने के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे तुम्हें, ठीक है। तो कहीं पे आपको पावर दे के ना बोलता है कि देखो सर्टन रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है अभी वो देखना है। सर यहाँ पे 4 केस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 2-3 केस है, ठीक है। तो बहुत दिमाग लगा के आराम से बच के समझना, आराम से समझाता हूँ। देखो 180 सबसेक्शन 1 ही सारा कुछ है, अदरवाइज सारे सेक्शन सबसेक्शन है ना 2, 3, 4 में 181 का ही लिंकेज है कहीं ना कहीं, बताऊंगा अभी आराम से, ठीक है। पावर विच कैन बी एक्सरसाइज, सर मैं क्या बोल रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन, प्रोविजन नहीं, मना नहीं कर रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के, जैसे कहते नहीं है मैंने क्या बोला आपको आनंद विहार जाना, तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको अपने ओन व्हीकल से जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है पावर बोर्ड पे। Power which can be exercised after obtaining consent, ये important सुनो, consent of company by special resolution, sir not just BR at board meeting, मतलब सर ये सारे पावर्स के लिए आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। सर नहीं लिए तो फिर वॉइड हो जाएगा। अभी और एक्सेप्शन, मैं बोला 180 सबसेक्शन 1 में ही सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो सर सुनो, सर कौन कौन सी बातें, कौन कौन सारी बातें 179 नहीं, सारी नहीं, 4 बातें भी देखेंगे। कौन सी 4 बातें? ये ऐसी 4 बातें जहां पे आपको BR एट BM तो लगेगा लगेगा, प्लस SR भी लगेगा। तो मैं कंक्लूड करूं, BR इन BM प्लस इससे भी काम नहीं चलेगा, प्लस आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा SR पास करके, वो भी ओआर नहीं SR पास करके। सर कौन सी 4 बातें बताओ जल्दी जल्दी, हाँ बताता हूँ आराम से बताता हूँ। सर सुनो, ए में बोला है सेल, लीज, डिस्पोजल ऑफ होल और सब्सटैंशियली होल ऑफ एन अंडरटेकिंग। सर क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ड ही सुनना, सेल, सेल मतलब वही परचेज, सेल में बेच दिया, लीज पे लगा दिया, कोई 50 ईयर 99 ईयर के लीज पे लगा दिया, सेल प्रॉपर सेल बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया उसको, ठीक है, होल या तो पूरा, ठीक है, या तो सब्सटेंशियली होल ऑफ एन अंडरटेकिंग या सब्सटेंशियली पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग, ठीक है। तो सर पूरा बेच दिया
या थोड़ा पार्ट बेचा, सेल लीज डिस्पोज, बेचना ही बोल रहा हूँ, या तो लीज भी सेल कर दिया, लीज कर दिया, या डिस्पोज कर दिया, होल मतलब पूरा, या सब्सटेंशियल कोई पार्ट, किसका? अंडरटेकिंग का। सर व्हाट इज अंडरटेकिंग, क्या क्या अंडरटेकिंग आएंगे, हम बढ़ेंगे अभी। सर अंडरटेकिंग में जस्ट लाइक कंपनी का ब्रांच, कंपनी का ऐसा यूनिट जो एक चीज करके दे, सर कौन सा चीज करके दे, देखेंगे अभी। तो कंपनी का ब्रांच सिंपल समझो, कंपनी का ब्रांच टाइप में, ब्रांच कंपनी का अंडरटेकिंग। तो उस अंडरटेकिंग, उस ब्रांच को आपने सेल कर दिया, या उस ब्रांच को आपने लीज कर दिया, उस ब्रांच को डिस्पोज कर दिया, या तो पूरा ब्रांच या पूरा ब्रांच का कोई सब्सटेंशियल पार्ट आपने डिस्पोज कर दिया, ठीक है सर। वो हर कोई ब्रांच नहीं, अभी देखेंगे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, 181 में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बट अंडरटेकिंग समझना ब्रांच, ठीक है। तो सेल लीज ये सब ब्रांच का करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग करना पड़ेगा, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, प्लस शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जस्ट लाइक तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कंपनी का शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेके आना, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, दो तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट अदर देन ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट में कर सकते हो, ठीक है। क्या सा इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन। सर सुनो, ये आपकी कंपनी थी ए बी सी, पी क्यू आर ने इसको कर लिया अपने साथ टेक ओवर, पी क्यू आर ने इसको दिया 150 करोड़। सर दैट इज द अमाउंट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखो सिंपल बात, सुनो सुनो, दैट इज द अमाउंट, सॉरी दैट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव ऑन मर्जर, मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ और आपको अमाउंट मिला। अब इस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट करना है, अब इस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सा अमाउंट को, जो आपको मर्जर एक्विजिशन से मिला, जो आपको मर्जर एंड एक्विजिशन से मिला ना, वो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपको कहां करना है, अदर देन द ट्रस्ट। अगर किसी ट्रस्ट में करो तो चलेगा, बट उसके अलावा छोड़ के आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो भाई बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग प्लस एसआर। तो यहां पे बोलूं एक प्लस एसआर एक्स्ट्रा हो जाता है 139 से, मतलब आपके पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब यहां पे शेयर होल्डर्स भी आएंगे। कहां कहां आएंगे, जब आप किसी अंडरटेकिंग को सेल लीज करोगे डिस्पोज करोगे वहां भी शेयर होल्डर्स आएंगे। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो आपका मर्जर एक्विजिशन से पैसा आया था, वहां भी शेयर होल्डर्स बोलेंगे भाई बताओ कैसे क्या करने वाले हो, ठीक है। सर सी, सर सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अंदाज से सी से बहुत क्वेश्चन बनता है। बोरो मनी, ठीक है सर, एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड, ठीक है सर, एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज। देखो बोरो मनी 179 में होता है, बोरो मनी, लैंड मनी, बट यहाँ पे बोल क्या दिया, सुनो यहाँ पे वही बात तो बोला गया, बोरो मनी, मनी बोरो कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज बोरोइंग, ठीक है, इफ इन एक्सेस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सर मतलब अभी बताऊंगा, बता ही देता हूँ, चलो मान लो एग्जाम्पल लेता, मान लो आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीज़, फ्री रिजर्व आपके कंपनी का 20 करोड़ रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके कंपनी का 10 करोड़ रुपीज़, ये आपके कितना हो गया 50, 70, 80 करोड़ रुपीज़। आपका एग्जिस्टिंग मतलब पहले ही से बैलेंस शीट में बोरिंग आपका 50 करोड़ है, और आपने प्रपोज बोरिंग रखा 40 करोड़, मतलब आपका ये 90 करोड़ एक्सीड कर गया 80 करोड़ से। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना, यहाँ पे BR BM तो लगेगा ही लगेगा, प्लस SR भी लगेगा। सर मान लो आपका एग्जिस्टिंग बोरिंग 50 था बट आपने प्रपोज किया 20, तो देखा जाए तो PSC पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 80 है, और आपका 50 एग्जिस्टिंग था, न्यू आपका प्रपोज किया, आपने प्रपोज मांगा 20, तो आपका 70 आया, जो आपका एक्सीड नहीं किया 80 से, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस SP निकालना एक जगह कैलकुलेशन में, फिर निकालना कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना बोरोइंग है, ठीक है, कितना बोरोइंग है बैलेंस शीट में, 50 है ऑलरेडी, 30 आपने मांगा है, अब मानो 20 मांगा आपने, 50 प्लस 20 को 70, और इधर आपका 80 है, मतलब ठीक है 80 से कम है ना, कोई बात नहीं, BR BM लगेगा चलेगा, फिर बोर्ड के पास पावर है। बट उससे ऊपर गया, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से ऊपर चला गया, तब तो भाई शेयर होल्डर्स से परमिशन लेना पड़ेगा। परफेक्ट, चलो डी नंबर पॉइंट देखते हैं, रेमिट और गिव टाइम टू डायरेक्टर ऑन रीपेमेंट ऑफ डेब्ट ड्यू टू कंपनी।
सर मान लो कंपनी ने कंपनी ने कंपनी ने ये आर एंड ये पी, मिस्टर आर एंड मिस्टर पी को दिया लोन। अब ये बोल रहे कि भाई मेरे को 1 साल का टाइम और दो, या बोल रहा है मेरे को जो भी लोन का रीपेमेंट डेट था वहां से बोला कि मैं 1 साल का टाइम और दो, तो क्या ये पावर बोर्ड को मिलेगा कि बोर्ड चाहे तो उसको टाइम दे सकता है भाई? ऐसा क्योंकि देखो ऐसा क्यों नहीं बोला गया यहाँ पे, शेयरहोल्डर्स को क्यों इंटर किया गया? तुम ही सोचो, वहां पे शेयरहोल्डर से जब पैसा मांगा गया तो बोर्ड के पास पावर था। अब यहाँ से डायरेक्टर से पैसा मांग रहे हैं तो बोर्ड को पास पावर देंगे, तो बोर्ड चाहे तो बोर्ड में तो डायरेक्टर के लोग बैठते हैं, तो डायरेक्टर के जब लोग बैठते हैं बोर्ड में, सोचो ना, जब बोर्ड में डायरेक्टर के लोग बैठते हैं तो डायरेक्टर के लोग डायरेक्टर की ही मदद करेंगे ना, तो डायरेक्टर का लोग सिंपल बोलेंगे हाँ ठीक है लो तुम्हें 1 साल चाहिए ना, तुम्हें 2 साल दिए, क्योंकि डायरेक्टर के लोग बैठे हुए और ये डायरेक्टर को पैसे की मदद, लोन का रिपेमेंट में मदद चाहिए, टाइम चाहिए, इसलिए बोला गया कि जब भी रिमिट कर रहे हो, माफ कर रहे हो, ठीक है, या गिफ्ट टाइम, मान लो 1 साल एक्स्ट्रा देने वाले हो किसको, डायरेक्टर को, ऑन रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, कोई भी रीपेमेंट, कोई भी लोन लिया था उस डायरेक्टर ने, उसके रीपेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए जो कंपनी से लिया था उसके लिए आप टाइम एक्स्ट्रा देना चाहते हो ना, तो बोला कि देखो BRBF तो लगेगा पड़ेगा, प्लस शेयर होल्डर्स का परमिशन लेके आओ, क्योंकि अदरवाइज बोर्ड में ही तो डायरेक्टर के लोग है, बोर्ड तो हाई बोलेगा डायरेक्टर का, भाई सगा है बोर्ड, तो डायरेक्टर का कलेक्टिव मिलकर तो बोर्ड बना है, इसलिए बोला गया कि शेयर होल्डर्स आएंगे। सर चार जगह शेयर होल्डर्स है, याद रखना, सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ एनी अंडरटेकिंग, BRBF प्लस शेयर होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कौन सा इन्वेस्टमेंट, कौन सा पैसा जो आपको मर्जर एक्विजिशन मिला, कंपनसेशन मिला उसको, अदरवाइज देन ट्रस्ट में कर रहे हो तो ठीक है चलेगा, बोरोइंग मनी प्लस प्रपोज मनी दोनों को जोड़ना, फिर वो देखना क्या तुम्हारा वो पेड अप शेयर होल्डर प्लस फी रिजर्व प्लस इक्विटी प्रीमियम से ज्यादा जा रहा है, ज्यादा जा रहा है तो भाई तुम्हें SR पास करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या, रिमिट और गिफ्ट टाइम टू डायरेक्टर, डायरेक्टर ने जो पैसा लिया था उसको रिमिट कर रहे, जो ड्यू टू द कंपनी है उसके लिए भी आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते कुछ इंपॉर्टेंट, अंडरटेकिंग सेल मींस अंडरटेकिंग सेटिस्फाई एनी टू कंडीशन, अब हमने देखा था ना यहाँ पे सर, अंडरटेकिंग कौन सा अंडरटेकिंग, क्या अंडरटेकिंग, किसका सेल, किसका लीज, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई सर और है, मतलब दोनों में से कोई एक भी, एनी ऑफ टू कंडीशन, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए, वो अंडरटेकिंग के बारे में बात कर रहा है, वो अंडरटेकिंग के बारे में बात हो रही है, अगर वो हो रहा है तो भाई SR पास करना पड़ेगा। सर क्या क्या, इन्वेस्टमेंट मेड बाई कंपनी इन सच अंडरटेकिंग जिस अंडरटेकिंग का नेटवर्थ एक्सीड है 20% ऑफ कंपनीज नेटवर्थ। सर मान लो कोई ए है, इसका नेटवर्थ 21 करोड़ रुपीज है और कंपनी का टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीज है, सर कितना हो गया ये 21%, तो सर एक्सीड हो गया 20%, तो वैसे अंडरटेकिंग को आप सेल लीज डिस्पोज कर रहे हो ना, तो भैया शेयर होल्डर्स का परमिशन लेके आना, ठीक है। तो वही बात है, जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था उस अंडरटेकिंग में, मैंने क्या बोला हूं, इस अंडरटेकिंग की बात हो रही है, किस अंडरटेकिंग में, उस अंडरटेकिंग में जहां पे कंपनी का जो टोटल नेटवर्थ है उसका 20% से एक्सीड है उस अंडरटेकिंग में। सर मान लो कंपनी का टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ है और ए में उसका नेटवर्थ का वैल्यू है 15 करोड़ और बी में उसका है 36 करोड़, तो सही है 20% एक्सीड है, ये वाली अंडरटेकिंग को शेयर करोगे ना तो SR पास करना पड़ेगा, ए में नहीं करना, क्योंकि ए तो 15% है जो 20% से कम है। सर यहाँ पे वर्ड याद रखना, यहाँ पे वर्ड एक्सीड, सर इक्वल टू नहीं एक्सीड, सर 20 करोड़ यहाँ पे ए होता तो भी नहीं करना होता, सर एक्सीड, ठीक है। असर और क्या अंडरटेकिंग डिस्क्रिप्शन में आता है, इफ इनकम ऑफ अंडरटेकिंग इक्वल टू और एक्सीड 20% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी, इनकम ऑफ अंडरटेकिंग जो इक्वल टू और 20%, यहां पे याद रखना यहां पे एक्सीड है, इक्वल टू नहीं है, यहां पे इक्वल टू भी है। सर एग्जांपल बताओ आराम से, देखो कंपनी का टोटल नेटवर्थ है 100 करोड़, परफेक्ट, टोटल इनकम है 100 करोड़, कंपनी का इन्वेस्टमेंट ब्रांच नंबर 1 में 20 है, तो क्या ये अंडरटेकिंग आएगी? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट तब होगा जब आपका एक्सीड करेगा 20% से, यहाँ पे तो ये 100 का 20% ही हो गया ना, एक्सीड कहाँ किया, तो ये नहीं आएगा सर। लेकिन इनकम, सर लेकिन इनकम देखो दोनों चीज देखना, और है यहाँ पे, और है, दोनों चीज में से एक भी सेटिस्फाई हो गए भैया काम हो जाएगा अपना। लेकिन सर इनकम 10 है, सर 10% नहीं 20% होता तब चलता, ठीक है ये नहीं, ब्रांच 1 इज नॉट अ अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी, इसको सेल लीज करो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं पास करना पड़ेगा। चलो ब्रांच नंबर 2 की बात करते हैं, कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट हुआ है ब्रांच में 10 करोड़, क्या हुआ अंडरटेकिंग हुआ सब्सटेंशियली? नहीं, क्योंकि 10% हुआ, बट सर इनकम 20 करोड़ हो गया, तो सर इनकम में 20 करोड़ हो गया मतलब ये हो गया 20%, तो सर इसका 20% हो गया, तो इनकम में लिखा गई है बातें इक्वल टू और ग्रेटर देन 20%, तो सर ये 20% हो गया अंडरटेकिंग सब्सटेंशियली वाला, तो भाई इसको अगर ब्रांच नंबर 2 इसको अगर सेल कर रहे हो ना, क्योंकि ये 20% या उससे इक्वल ज्यादा ले रहा है इनकम, तो याद रखना नेटवर्थ के केस में एक्सीड है, इनकम के केस में इक्वल टू और
ग्रेटर देन 20% है, तो सर यहाँ पे अगर इसको बेचोगे ना, इसको कुछ भी करोगे, सेल लीज करोगे ना, तो भैया एसआर पास करना पड़ेगा सर। ब्रांच नंबर 3 सर, यहाँ पे तो 30% ही हो गया, एक्सीड 20%, यहाँ भी 30% जाती है, तो है ही ब्रांच नंबर 3। तो सर याद रखना एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वैसी अंडरटेकिंग कौन अंडरटेकिंग जिसका नेटवर्थ 20% से एक्सीड कर रहा हो टोटल कंपनी के नेटवर्थ से, नहीं तो उसका इनकम 20% या 20% से एक्सीड है, 20% या 20% एक्सीड, वहां पे सिर्फ 20% से एक्सीड, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना, इंपॉर्टेंट काम आएगा, ठीक है। अब सुनो, हमने सी में देखा था बोरिंग मनी में प्रपोज बोरिंग प्लस एक्सट्रीम बोरिंग पेड अप सिक्योरिटी प्लस फी रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अगर ज्यादा गया तो एसआर पास होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाइल कंप्यूटिंग बोरिंग टेम्पररी लोन्स को हम एक्सक्लूड करेंगे सर। टेम्पररी यहाँ पे सिर्फ याद रखना, इसमें जो है ना, इसमें सर, इसमें जो है ना, इसमें इसमें बोरिंग मनी, ये बोरिंग वाला मनी, इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट आते हैं। तो सर बोला जाए तो टेम्पररी लोन्स जो अप टू 6 मंथ्स लाइक बैंक ओडी, कैश क्रेडिट, ईटीसी, जो टेकिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, ये एक्सक्लूड होता है। तो सर मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कंपनी का प्रपोज्ड एग्जिस्टिंग बोरिंग है 50 करोड़, प्रपोज्ड बोरिंग है कंपनी और चाहती है 20 करोड़, जिसमें से 10 करोड़ आपको ओडी है, बैंक ओडी है, ठीक है, और 10 करोड़ आपका नॉर्मली लॉन्ग टर्म है। तो सर देखा है तो हुआ गया ये 50 + 10 ही हुआ, क्योंकि 60 हुआ, क्योंकि ये 10 करोड़ एक्सक्लूड करते हैं, जो बैंक ओडी होता है, जो कंपनी का अप टू 6 मंथ्स के लिए होता है, कैश क्रेडिट हो गया, बैंक ओडी हो गया, ये एक्सक्लूड होता है। तो सर 60 ये हो गया, अब मान लो कंपनी का पेड अप सिक्योरिटी मान लो 50 है, फ्री रिजर्व कंपनी का 5 है, और कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम इसको एसपी मान लो 3 है, तो 58 हो गया, और ये 60 हो गया, ये एक्सीड कर गया, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा ही लगेगा। तो ये कैलकुलेशन करके देखना, प्रपोज बोरिंग मतलब ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको लॉन्ग टर्म वाला बोरिंग 80 हो 20 हो प्लस आपने सॉरी एक्जिस्टिंग जो दिख रहा है एक्जिस्टिंग बोरिंग प्लस आप कितना चाहते हो, तो आपके चाहने पर डिपेंड करेगा आपका एसआर पास करना है कि नहीं पास करना है, ठीक है। चलो अब देखो 183 185 में कुछ बातें नहीं गई है, सिंपल मैं एक बात बता देता हूँ। 183 में ही लिखा गया है कि जो भी आप सब्सटेंशियली सेल लीज या मान लो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। 183 में क्या लिखा गया है, नथिंग कंटेंट इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 सेल अफेक्ट, ठीक है, नथिंग कंटेंट इन क्लॉज ए, क्लॉज ए मतलब वो सेल लीज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग सेल इफेक्ट टाइटल ऑफ ए बायर और अदर पर्सन हु बाइज और टेक्स लीज एनी प्रॉपर्टी इन गुड फेथ। सर मान लो किसी ने गुड फेथ में, देखो कंपनी ने तो सेल किया, ठीक है, क्या किया सेल, 20% से ज्यादा अंडरटेकिंग वाला सेल किया। सुनो सामने वाले ने क्या किया, परचेस किया, ठीक है। अब कंपनी ने सेल किया 20% ऊपर, तो हमने पढ़ा है कि यहां पे क्या होता है, बीआरएम बीएम होता है प्लस एसआर होता है। अब कंपनी ने एसआर पास नहीं किया, तो क्या उस सामने ने जो परचेस किया उससे हम बोल देंगे आपका हम टाइटल ले रहे हैं, नहीं। अगर उसने गुड फेथ में लिया होगा ना सर, गुड फेथ में लिया होगा ना, ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट सुन लो, अगर उसने गुड फेथ में लिया होगा ना, जिसको पता नहीं था यार ऐसा सा होता है, तो ठीक है हम आपका टाइटल वाइटल को अफेक्ट नहीं करेंगे, परफेक्ट, ठीक है। सर 185 में क्या है, 185 में सिंपल वही है, प्रपोज्ड बोरोइंग प्लस एग्जिस्टिंग बोरोइंग, ठीक है, अगर एक्सीड करता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तो एसआर पास होता है, परफेक्ट, एसआर पास होता है। अब कंपनी ने एसआर पास नहीं किया, कंपनी ने लोन ले लिया, तो क्या जो लोन लिया, जिससे लोन लिया उसको अफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो 185 में क्या हुआ, नो डेब्ट इंकर्ड बाय कंपनी इन एक्सेस ऑफ लिमिट इंपोज इन क्लॉज सी दैट इज वो बोरिंग वाला शैल बी वैलिड अनलेस द लेंडर प्रूव्स दैट ही एडवांस द लोन इन गुड फेथ, अगर वो बोल दे कि उसने लोन एडवांस दिया, जो भी दिया है वो गुड फेथ में दिया है एंड विदाउट द नॉलेज दैट लिमिट हैज बीन एक्सीड, ठीक है, ठीक है। तो सुनो लोन गिवन इन गुड फेथ प्लस विदाउट नॉलेज, तो भाई डेप्ट तुम्हारा वैलिड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दैट्स इट, 179 180 बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ना। चलो कंप्लीट, कल हम देखेंगे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल यार। चलो गुड नाइट, गर्मी बहुत है, एसी पंखा सब बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, आवाज़।